हलवा जी दी खा गया? कैसे खा गया? अब क्या बताऊं, सुबह तुम्हारे लिए परांठे बनाए थे कि खुशबू जेदी तक पहुंच गई, फौरन आ गया, कहने लगा जीरा बहन मैंने परसों से नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा चंगेर में से परांठा उठा लो। और वो पराठों के साथ हलवा भी ले गया। और तुमने दिमाग खराब किया है जेदी का। अगर ऐसा किरायादार किसी और का होता तो वो उसे दरवाजे में भी ना घुसने देता। अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे, अरे रेशमा, सलाम अम्मा। माँ सच्ची, माँ वारी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तेरी शक्ल तो दिखाई। कैसी है तू? पिछले महीने जरा बीमार थी, अब ठीक हूँ। सलाम अब्बा। जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे। कैसे हैं आप? मैं तो वैसे ही हूँ बेटा, मगर मेरी बेटी को मैके की याद कैसे आई 3 साल बाद? उनका यहाँ तबादला हो गया है। अच्छा, मगर आया क्यों नहीं रफीक? 6-7 दिन बाद आएंगे, पटवारी लग गए इस इलाके में। माशाल्लाह, मुझे यकीन था कि एक दिन तेरा मियाँ बहुत तरक्की करेगा। वो कह रहे थे अपने अब्बा जी से कह देना 7 वाला मकान खाली करवा ले। ये मकान अभी तक किराए पर उठाया हुआ है? हाँ बेटी, बरसों पहले ये मकान किराए पर उठाने की जो मैंने गलती की थी आज तक भुगत रहा हूँ। अब तो जीदी को अल्लाह ही उठाएगा। किराया तो वो दे नहीं सकते, गुजारा कैसे होता है? पहले की तरह, कभी किसी के लिए सूखी लकड़ियां काट कर ले आया, कभी किसी की भैंस ने ला दी, कभी चौधरी के घोड़ों की मालिश कर दी, मगर मैंने भी अब उसे काम पर लगा दिया है। अच्छा, क्या कह दिया है? कि आज से मेरी जमीन पर ट्रैक्टर वही चलाएगा। आज ही जेदी से जाकर कह देना कि अब मेरी बेटी और दामाद इसी गांव में रहेंगे, वो 2 दिन में मकान खाली कर दे। ठीक है, वैसे भी चौधरी के घोड़ों की मालिश करता है तो उसे चौधरी के अस्तबल में रहने की जगह मिल ही जाएगी। अम्मा, 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 अगर इस दीवार में एक दरवाजा लगवा दो तो मुझे वक्त बेवक्त आने जाने में आसानी हो जाएगी। नहीं रेशमा, बेटी और दामाद का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन दीवार में जरा सी भी नहीं टूटने दूंगा। दूध, इस वक्त तो खाने का वक्त था। इसमें मैंने हल्दी डाल दी है
आपको चोटें लगी है ना, से आराम आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई ऐसी खास चोटें नहीं लगी है, बस जरा एक पसली मिसप्लेस हो गई है। आई मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि अब्बा आपसे ये घर खाली करवा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। मुझे तो परेशानी ये है कि आप जाएंगे कहाँ, इस दुनिया में तो आपका कोई भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो रेशमा, अभी है कोई मेरा इस दुनिया में। कौन? मेरी भतीजी। 20 साल पहले जब मैं कराची में था, मेरा अकलौता भाई और भावज एक हादसे में मर गए थे। उनकी छोटी सी 6 महीने की बच्ची मेरे हवाले कर दी गई थी। अच्छा? हाँ, उन दिनों भी एज यूजुअल मैं फाकों में खुद कफील था, मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं था, उस बच्ची की परवरिश कैसे करता। भूख से रोती रहती थी वो, मेरे पास दूध खरीदने के पैसे भी नहीं थे, और सिर्फ ऑक्सीजन और पानी पर वो बच्ची पल नहीं सकती थी। मैं परेशान था, बहुत मजबूर था, उसकी जिंदगी की खातिर मैं उसे ले गया। वो बच्चियों और बेसहारा लड़कियों के लिए एक प्राइवेट यतीम खाना था। ये भी कैसी मजबूरी थी कि माली परेशानियों की वजह से आपको अपनी भतीजी को यतीम खाने में दाखिल करना पड़ा। हाँ, लेकिन 20 साल गुजरने के बाद भी मैं उसे भूला नहीं हूँ। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सी बच्ची थी वो, और अब तो मेरी भतीजी जवान हो गई होगी। आया, कब तक अपनी रूबी की बलाएं लेती रहोगी? ये 6 महीने की थी जब आपने इसे मेरी गोद में दिया था, अब मैं अपनी चांदी रूबी की नजर भी ना उतारू क्या? लो, लड़के की तरफ से आई हुई अंगूठी भी तुम ही इसे पहना दो। आपा जी, ये कैसी मंगी है कि लड़के वालों की तरफ से कोई औरत ही नहीं आई? यतीम खाने में पलने वाली लड़कियों की मंगनियां ऐसी ही होती हैं। ये क्या कम है कि लड़के ने इतना महंगा जोड़ा और इतनी कीमती अंगूठी भेजी है? ऐसा लड़का किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है। वैसे आपा, मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन मैनेजर साहब कह रहे थे कि शादी के बाद हमारी रूबी को फूल की तरह रखेगा वो लड़का। हमारी होने वाली दुल्हन आज कैसी हसीन लग रही होगी बंगली के जोड़े में। सेठ, जो तस्वीर आपको दिखाई थी उससे ज्यादा हसीन है हमारी रूबी। यूं समझिए कि इस ठिकाने में बस एक ही नगीना है वो। अरे भाई, जब ही तो हम निकाह कर रहे हैं उनसे 1 लाख देकर, और ये शादी अगले हफ्ते इसी दिन होगी। जी, इतनी जल्दी? आपको क्या तकलीफ है मैनेजर साहब? भाई, मंगनी और शादी के आपकी तरफ से होने वाले सारे इंतजाम भी हम ही ने किए हैं। भाई, जोड़े दिए, जेवरा दिए, और क्या करते? वो तो दुरुस्त है सेठ साहब, मगर जब अगले हफ्ते शादी करनी थी तो फिर आज मंगनी की क्या जरूरत थी? आप नहीं जानते लड़कियों के अरमान, इस किस्म की हर खुशी से उन्हें बहुत खुशी होती है। ओ हाँ, शादी वाले 1 लाख में से कुछ एडवांस मिल जाते तो अच्छा था। शादियों के सिलसिले में हमारा एक उसूल हमेशा रहा है, तो जिस दिन शादी उसी दिन कैश। हाँ, मगर निकाह से पहले पहले हम सारी रकम लड़की के निगरान को दे देते हैं। तो मैं ही तो हूँ जी रूबी का पहला और आखिरी निगरान, मेरे अलावा बिचारी का है ही कौन। कौन है? अंदर आ जाओ यार। कमाल है जेदी साहब, आपने सैन का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, इस पूरे घर में मैं ही सबसे कीमती चीज हूँ। मगर तुम आज यहाँ कहाँ निकले? ये लीजिए आपका खत आया। अच्छा, मेरा? मुझे कौन खत भेज सकता है? अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, मुझे खत भेज दिया किसने यार? कमाल। ये कौन खत भेज? अरे, ये क्या हो गया?
रेशमा को आए हुए 6 दिन हो गए हैं, आज शायद उसका मियाँ भी शाम तक पहुँच जाए। आगे दीदी कैसे जाएगा? 4 आदमियों के कांधों पर जाएगा। अगर आज रात तक ये घर से नहीं निकला तो मेरे हाथों उसका दम निकल जाएगा। बच्चे भाई! अरे क्या आफत आ गई? बच्चे भाई! बच्चे भाई! वारंट क्यों नहीं आया? अच्छे भाई, मेरे फूफा का खत आया है। फूफा भी है कोई? हाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हैं जेदी अंकल। ऐसी क्या बात लिखी है खत में? ये बड़ा अजीब गरीब खत है, बहुत अच्छा खत है। मेरी जिंदगी बदल गई, किस्मत मेहरबान हो गई रेशमा। मैं उड़ी उड़ी जावा, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। जरा पढ़िए तो। लिखा है, मैं उड़ी उड़ी जाऊं, लिखा है, प्यारे जेदी, अब जब से मैं जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, बेहतर ये है कि अपना बोझ हल्का कर दूँ। तुम्हारे सिवा मेरी दौलत का हकदार और कौन हो सकता है? मैं 8.25 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ। क्या? 8 करोड़? फकत तुम्हारा फूफा बशीर अहमद कराची। फूफा अंकल, आप तो बहुत अमीर बनने वाले हैं। अरे देर क्या रही है जीरा और लस्सी अपने भाई के लिए? नहीं 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 नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। मैं आज ही अपने प्यारे फूफा के पास कराची रवाना हो जाऊंगा, आज ही पहली ट्रेन से। क्या ये साहब इसी बक्से में रहते हैं? जी नहीं, ये बक्सा आपका है? जी हाँ, दरअसल हुआ ये कि ये साहब एक छोटे से स्टेशन पे चढ़े थे, बता रहे थे कि एक मुतअद्दी बीमारी है जो दूसरे मुसाफिरों को लग सकती है। अच्छा, उन्होंने इस बक्से में से मेरे कपड़े निकाले, उसकी बोडली बना दी और खुद इसमें लेट गए और कहने लगे कि जरा खाने पीने का ख्याल रखना। पहली दफा देखा है ऐसा मुसाफिर। इस बक्से में पता नहीं जी, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। बाहर निकलो। मैं कहता हूं निकलो बाहर। खामोश खामोश। सर आप जानते हैं आप मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं बीमार हूँ। जी हाँ, इन्हें कोई मुतअद्दी बीमारी है? कोई बीमारी नहीं, मुझे तो ये शख्स उठाई गिरा लगता है। Hold your tongue. I am not Uthai Gira. My focus is Liro Lira. Otherwise, I belong to a seasonable family. कौन सी फैमिली और कौन सा खानदान? 22 खानदान। मैं ताज़ा 23वां खानदान हूँ। बस पैसों की तरफ से हाथ जरा हौला है, वरना हूँ मैं करोड़पति। 8 करोड़ का मालिक हूँ मैं। जरूर होंगे, टिकट निकालो। टिकट होता तो बक्से में सफर करते बाबू। तो ठीक है, अगली स्टेशन पे मैं पुलिस को बुला लूंगा, जब जेल के कैदी बनोगे तब पता चलेगा। कैदी? ये क्या कह दिया जालिम समाज,
तुम चाहते हो वो थानेदार मुझे कैद कर ले और फिर सारे थाने में वो गाता फिरे? मैं छज पता से बन जाऊं, आज कैदी कर ले माही नू, मैं छज पता से। बस बस, मुझे लगता है इस माही को जेल नहीं पागल खाने लेना पड़ेगा। अरे वाह, शादी के जोड़े में जच रही है हमारी रूबी। ये भी क्या शादी है, पहली बार शादी हो रही है और लड़के को अभी तक देखा भी नहीं। कम से कम लड़के की कोई पासपोर्ट साइज फोटो ही दिखा दे। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है भी बनो, अभी आसी मुसब में तो वो मुखड़ा देख ही लोगी। सहेल मियाँ, मेरा तो यहाँ रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, क्या तुम यहाँ किसी सेठ बशीर अहमद को जानते हो? अंकल ये शहर कराची है, कोई गांव नहीं है, ये ना जाने कितने सेठ बशीर रहते हैं। चलिए बैठने दीजिए मुझे। शौकी साहब क्या हुआ? शौकी साहब तुम हो, अच्छा हुआ जगा दिया। अभी ख्वाब में एक लेडी ड्रैकुला मुझसे फरमाइश कर रही थी कि शौकी साहब एक बाल्टी खून हमारे ब्लड बैंक को डोनेट कर दीजिए। आइंदा आपके डेटी डाइटिंग के लिए कितना ही क्यों ना कहें, खाली पेट ऐसे ख्वाब मत देखा कीजिए। ये चाय रखी हुई है यहाँ पे। अंकल आप आइए। कैसे हो शौकी बेटे? बस दुआएं चल रही हैं आपकी। आपके डैडी घर पर हैं? डैडी तो ऑफिस में है, मैं हाजिर हूँ। आज बड़े दिनों बाद आए आप। दरअसल शादी के इंतजाम में मसरूफ रहा, आज शादी है ना। अच्छा, लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं कि आपका कोई पोता भी है। पोता? अरे भाई मेरी शादी है मेरी। अच्छा आपकी? अच्छा आपकी जाती पर्सनल? वैसे शादी में तो किसी को बुलाया नहीं, लेकिन वली में मैं करीबी दोस्त आएंगे। ये कार्ड अपने डैडी को दे देना बेटे। जी जरूर। अंकल शादी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अंकल कौन सी परफ्यूम लगाई है आपने? क्यों क्या हुआ जाने क्यों आपके पास से लोबान और काफूर की बू आ रही है? मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे डैडी से कर दूंगा। नहीं डैडी से नहीं अंकल। अरे अंकल बात सुनिए, डैडी से शिकायत मत कीजिएगा, बात सुनिए अंकल। अरे अंकल अंकल सुनिए ठहरिए ठहर जाइए अंकल ठहर। शिकायत जरूर करूंगा, ये होता है बड़ों का एहतराम। माफी चाहता हूँ मोहतरम बशीर अहमद साहब। बशीर अहमद मेरे फूफा जान। अरे हेलो, अरे फूफा जान इधर आइए, गले लग जाइए। फूफा जान आखिर 40 साल के बाद आप मिल ही गए। अरे भाई मैं किसी का फूफा नहीं हूँ। अरे मैं मेरा कोई भतीजा भांजा नहीं है। मुझे पहचानी कैसे हो? मुझे पहचान लिए फूफा जान, मैं आपका जेदी हूँ। लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम की बात है, मैं उस वक्त बहुत छोटा सा हुआ करता था, 2.5 फीट का। उम्र मेरी 3.5 साल थी, बाल मेरे सुनहरे थे। आप मुझे उंगली थाम कर फुफियाँ दिखाने के लिए ले जाया करते थे। अरे भाई ये क्या चीज आ गई है यहाँ? ये कह रहे हैं कि किसी से फुफा नहीं है तो आप क्यों इनके बार बार इशार किए चले जा रहे हैं? क्या इनका नाम बशीर अहमद है? जरूरी है जिसका नाम बशीर अहमद हो वो आपके फुफा ही हो? तो ट्राई करने में क्या हर्ज है यहाँ? इडियट कह गए आपको, इडियट कह गए। अरे बात सुनिए अंकल, फूफा मामू आज भाई आज यहाँ पर आ मेहरबान, बस यहाँ पर बहुत बहुत है। फिर भाई क्या कर रहे हैं? बोलने की बात है, आप शर्मिंदा? कोई बात नहीं, चाय पी ले। मेहरबान कोई मेहरबान। हिना हिना हाय डैम, आ गए आप?
हाँ आ गए। कहाँ थे? एक दिन का कहकर गए थे, दो दिन हो गए इंतजार करते हुए। अब क्या करें, कुछ सफर ऐसी बुरी घड़ी में होते हैं कि अंग्रेजी में सफर करना पड़ता है। SUFFER यानी कि इतनी दूर के शहर जाकर भी जूनियर लेक्चरर की जॉब नहीं मिल सकी। जाहिर है, जब पहले किसी सिफारशी बंदे का इंतखाब कर लिया गया तो इंटरव्यू तो बस खाना पूरी रह जाती है। खैर छोड़िए, यहाँ की ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही जाता है ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन अफसोस तो इस बात का ना कि बेरोजगारी में इतना खर्चा होगा। और ये इतना बड़ा संदूक ले आया? ये क्यों? अरे उस शहर में ना इस किस्म के संदूक बहुत उम्दा मिलते हैं। मैंने अपना बैग फेंका पुराना वाला, ये खरीद लिया। ये फजूल खर्ची नहीं है क्या? पागल हो गई हो तुम? बहन के जहेज के लिए कोई चीज खरीदी जाए तो फजूल खर्ची होती है। मेरी फिक्र छोड़ें आप, इस वक्त तो बचत की जरूरत थी। चलो कोई बात नहीं। और इस पोटली में क्या है? इसमें मेरे कपड़े। कपड़े? तो संदूक में क्या था? आदमी। आदमी? हाँ। संदूक में? हाँ। जिंदा? अरे असली जीता जागता। बेचारे के पास टिकट के पैसे नहीं थे, संदूक में छुप गया था। बड़ा फूल जिदूल किस्म का आदमी था, चिपक गया जान को। टैक्सी में भी साथ बैठा हुआ था, बड़ी मुश्किल से उतारा एक जगह। ऐसा गरीब था तो ले ही आते ना। कुछ ज्यादा ही अजीब गरीब आदमी था, कह रहा था कि मैं 8.25 करोड़ रुपए का मालिक हूँ। वाकई? हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खिफ्तुल आवाज नहीं होता इस तरह से था। बता रहा था कि 20 साल के बाद आया हूँ शहर में, उसे अपने भतीजी की तलाश थी। आहा, लगता है जो हमारे यतीम खाने में पुलाव पका है। बारातियों के लिए नहीं, सिर्फ हम सब के लिए। मुझे खिला दो प्लीज, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। सुनो, खाना निकाल के बाद मिलेगा, पहले जरा शर्माने की कोशिश तो करो। और हाँ, दुल्हन हो तुम, चलो सेहरा बांध। नहीं नहीं, मैं सेहरा वेरा नहीं बांधूंगी, इसलिए कि चेहरा छुप जाएगा। अभी तो लड़का भी नहीं आया, निकाह भी नहीं हुआ, सेहरा तो रुखसती के वक्त बांधा जाता है। अरे इन्हें क्या पता, अब मेरी शादी होगी तो इन्हें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि शादी कैसे होती है। ज्यादा होशियार मत बनो, ऐसी लड़कियों के हिस्से में हवनक ही आते हैं, बिल्कुल अहमक। जी अहमक? मैं अहमक नहीं हूँ रेडी, बशीर साहब बिला वजह पूरा मान गए। जी जी हाँ, उन्होंने आप शिकायती फोन कर ही दिया है तो आइंदा एहतियात करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको सच्ची सच्ची बता दूं, मुझे उनके पास से लोबान और काफूर के अलावा अरके गुलाब और अगरबत्तियों की खुशबू भी आ रही थी। जी जी शट अप। यस बिल्कुल शट अप। क्या हुआ शोभी साहब? देखो खानसामा, जिस उम्र में मजार पे फूल खिलने चाहिए, लोग अपने सेहरे के फूल खिला रहे। शोभी साहब अपनी अपनी किस्मत की बात है। सच कहा है किसी ने, शादियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, अगर नहीं तो मेरी नहीं। कब से ये अरमान है कि आ जाए कोई मुखड़े। सब इंतजाम मुकम्मल हैं शेख साहब, शादी के वकील और गवाह भी मौजूद हैं, बस कादी साहब के आने की देर है। भाई भेजिए किसी को, बुलवाइए उन्हें। आदमी गया है शेख साहब, ये ब्रेक किस यहाँ मेज पर रख दिया। घबराइए मत, लाया हूँ तुमने 1,00,000 रुपए। 1,00,000? 1,00,000 रुपए का क्या चक्कर है? पता नहीं मगर चक्कर जरूर है। सुनो जरा लड़के को भी देख ही लो है? नहायत ही खुश मिजाज और हसमुख लड़की है हमारी रूपी। यतीम खाने के माहौल में भी हंसते खेलते जिंदगी गुजारी है उसने। बेटियों की तरह पाला है उसे, उसकी अच्छी तरबियत में हमारा भी हिस्सा है। खाली तरबियत? हमने तालीम में कौन सी कसर छोड़ दी? यतीम खाने की पहली लड़की है जिसे कॉलेज में पढ़ाया है। फर फर तो अंग्रेजी बोलती है जी। वो ड्राइविंग तक जानती है, वो हर मौजू पर गुफ्तगू कर सकती है। इतनी आला तालीम दिलाने में
खर्चा तो बहुत हो गया, मगर उम्मीद यही थी कि एक दिन सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। अब ज्यादा मत फैलिए मैनेजर साहब, जो खर्च हुआ सो आपका, मैं तो 1,00,000 रुपए से एक कैदी पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, समझे आप? क्या हुआ, क्या हुआ आया? वो दुल्हन फरार हो गई है। दुल्हन फरार हो गई? ये क्या कह दिया जालिम, क्या कर दिया रूबी ने, चली गई रूबी। ये आया और बाकी तमाम लड़कियां उसके भागने की साजिश में शरीक है। डिस्कशन कर रहे हैं आप? अरे जाइए पकड़िए उसे। ड्राइवर ये ब्रिज के सामने दो। जानेंगी, कोई 20 साल से ज्यादा हो गए जब मैं यहाँ आया था। क्यों आए थे आप? मैं अपनी भतीजी को लेकर आया था, उस वक्त कोई 6 महीने की थी वो। इस उम्र की एक ही बच्ची आई थी इस यतीम खाने में, मैंने पाला है उसे। अच्छा, आप याद आ गए मुझे, आप ही लाए थे उसे। और लोटे की टोटी में एक निप्पल भी लगा हुआ था। बिल्कुल सही कहा, लोटे की टोटी। तो कहाँ है वो लोटा? है लोटा नहीं भाई, मेरी भतीजी, वो बच्ची, अब तो वो जवान हो गई होगी। आज उसकी शादी थी। शादी थी उसकी? अच्छा भाई, बड़ी मगर क्या ये थी से क्या मतलब है? शादी हो नहीं सकी है, निकाह से पहले ही वो फरार हो गई। फरार हो गई, मगर क्यों? काश मुझे पहले मालूम होता कि यतीम खाने के मैनेजर साहब 1,00,000 रुपए लेकर एक बुढ़े लपूस से उसकी शादी कर देना चाहते हैं। लपूस? मेरी बच्ची ने कहीं उस बूढ़े लपूस का मुंह देख लिया, पहले खुश खाया फिर फरार हो गई। अच्छा, मगर तुम्हारे मैनेजर को क्या हक पहुंचता था कि मेरी भतीजी की शादी एक बुढ़े से करे? कहाँ है वो मैनेजर, बुलाओ उसे। अब तो यहाँ कोई भी नहीं है भाई, सभी उसकी तलाश में निकले हुए हैं। अच्छा,